हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ चुका हूँ सदर बाजार में इंडियन बुक डिपो पर। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा सिंस 1936 का 1936 से इनकी जो फॉर्म है दोस्तों एस्टेब्लिश्ड है। और दोस्तों आज की वीडियो बहुत यूनिक रहने वाली है मेरे चैनल पर, मैं पहले कभी ऐसी जगह नहीं गया। दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं मैप्स दिखाऊंगा, यहाँ पर मैप्स की दोस्तों आपको होलसेल में मैप मिलने वाले हैं और हर तरह के मैप दोस्तों यहाँ पर मिलते हैं, एटलस मिलती हैं। उसके अलावा कैसे आपको यहाँ पर चार्ट्स मिल जाएंगे ऐसे बच्चों के जो यूज होते हैं, छोटे बच्चों के, जैसे कि देख सकते हो आपको सारे हम बचपन में यूज करते थे, हम आपको दिखाते हैं ओपन करके। देखिए इस तरीके से बहुत सारे चार्ट रहने वाले हैं। देखिए एल्बम ऑफ कंटेस्ट अपना देख सकते हो, एनिमल्स हो गए और ऐसे आइडल बॉय, इंडियन एनिमल्स हो गए और जंगली जानवर और पालतू जानवर, संसार के बच्चे, कलर्स हो गए, मतलब बच्चों की आइटम रहती है। तो ये सारी यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं चार्ट्स, जो कि एक स्टेशनरी की शॉप पे हमेशा मिलेगी आपको। तो जो स्टेशनरी वाले होते हैं वो सब यहीं से ले जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया गाइस यहाँ से जो प्रोडक्ट रहता है वो जाता है। तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। उसके अलावा इस तरह से देख सकते हो यहाँ पे चार्ट्स होने वाले हैं और बुक्स होने वाली है। तो वीडियो पूरा देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए बिजनेस के दीवानों को और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको वीडियोस मिलते रहे। सो गाइस करते हैं वीडियो को शुरू। फ्रेंड्स, हमारे संग आ चुके हैं शॉप के ओनर सर, कैसे हैं आप? फाइन सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस के दीवानों पर और आपको नमस्कार मेरा, आप है ना। तो सर जी, अपने शॉप के बारे में हमें बताइए, अपनी फर्म कब से है? हमारी फर्म बिफोर पाकिस्तान 1936 के आसपास लाहौर में एस्टैब्लिश हुई थी हमारे पिताजी ने। बिफोर पार्टीशन, मतलब पार्टीशन से पहले? पार्टीशन बिफोर। ओके सर। आफ्टर पार्टीशन 1950 में हम यहाँ आके एस्टैब्लिश हुए हैं। ओके। तब से यहीं पर ही बैठे हैं सदर बाजार में। जी हाँ। ओके सर। सर अपना जैसे कि बात की जाए बिजनेस की, तो अपना बिजनेस किस चीज के ऊपर रहने वाला है? हमारा बिजनेस बच्चों खुश करने वाला है। अच्छा। मैथ्स चार्ट्स जो रूटीन में बच्चों के काम आते हैं स्कूल एजुकेशन में, वो बनाते हैं और बच्चों खुश करने छोटी अल्फाबेट की किताबें बनाते हैं और बड़ों को खुश करने के एटलस भी बनाते हैं। ओके सर। जो उनके ज्योग्राफी में पढ़ने में आसानी हो जाती है। ओके सर। तो सर थोड़ा जैसे कि मेरा जो रहता चैनल का जो हमारा मेन मोटिव है, मेरा मोटिव ये है कि मैं लोगों को बिजनेस की गाइडेंस दूं, तो अपने यहाँ से बिजनेस के कैसे हम बिजनेस कर सकते हैं? हमारे ये स्मॉल साइकिल चार्ट्स हैं। ओके सर। जो बच्चे स्कूल में कट एंड पेस्ट करके पेस्ट करते हैं। ओके सर। इसमें लगभग 300 से ऊपर हमारे पास वैरायटी है। ओके सर। और काफी ऑल ओवर इंडिया हमारी सप्लाई होती है। ओके सर। तो ये दोस्तों एनिमल चार्ट है, एनिमल के है और इसमें कुल मिला के 300 ये वैरायटी है। 316 जैसे कि जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है इतने यहाँ पर मतलब होने वाले हैं। थोड़े डिजाइन हमें दिखाइए सर, जैसे आपको डिजाइन दिखाते हैं। ओके सर। ये देखिए गाइस, ये देखिए जैसे गाइस यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन और डिशेज हो गए। ओके सर। और ये स्टोरेज चार्ट है, बोनस स्टोरेज चार्ट है। ओके सर। और ये पल्सेस हैं, पल्सेस हैं। ओके सर। इस तरह जितने भी बाजार में डिमांड बच्चे करते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। तो गाइस इन्होंने क्या कर रखा है, एक ही मतलब वन बुक, मतलब इतना कुछ वन बुक में एक बुक है, खाली आप ये ले जाओगे, आप पे जो भी कस्टमर आएगा आप उसको इसमें से निकाल के दे सकते हो। और आपकी चॉइस है, लूज भी देते हैं। हाँ जी। ऐसे 100 का पैकेट होता है। ओके सर। आइटम का अच्छा अच्छा ये 100 रूपए का 100 पड़ता है विद जीएसटी। ओके ओके। अब इसकी 12% जीएसटी लग गया है। अच्छा 12%, जैसे देखो सामने दिख रहा होगा आपको 18 जुलाई 2022 के बाद से 12% जीएसटी लग रही है इन चीजों पे। तो दोस्तों जीएसटी इंक्लूड प्राइस बता रहे हैं आपको, 1 रूपये का पड़ने वाला है एक पीस विद जीएसटी और आपको 100 पीस लेने पड़ेंगे इसमें। 100 पीस का पैकेट होता है। ओके। तो बस 1 रूपये का जीएसटी आपको मिल रहा है, तो आप 5 रूपये इसका एमआरपी दिखाओगे, देखो जैसे बेचने जाओगे तो 5 रूपीज का इजिली बिक जाएगा। इसमें आपको ज्यादा नाप तोल नहीं करना, ज्यादा किसी से बहस करनी है रेट को लेकर, 5 रूपये का इजिली बिक जाएगा, तो आपको आराम से बेनिफिट है इसके अंदर। इसके अलावा बच्चों के होमवर्क के लिए मैप भी है। ओके सर। ये छोटा साइज कहते हैं हम इसको, ये 40 रूपये का पैकेट पड़ता है। 40 रूपये का विद जीएसटी। ओके सर। तो गाइस देखिए 40 रूपये का पड़ने वाला है विद जीएसटी, 100 पीस का है। तो गाइस 40 पैसे का आपको एक पड़ने वाला है ये। और अगर बात की जाएगा इस प्राइस के, देखो इन्हें खुद का देखो जिसपे आपको लेवल मिलेगा इंडियन बुक डिपो का। और जैसे कि मैं आपको बता दूं एक चीज, और सर आपको पता नहीं होगा कि मुझे इतना जैसे ना मुझे बड़ा इंटरेस्ट रहता है, मतलब जहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट होता है ना उसकी मैं मैन्युफैक्चरिंग देखता हूँ कहाँ से वो आ रहा है। तो मैंने यूज कर रखा है आपका ये मैप, मतलब मैंने एक नॉर्मल हर बच्चा यूज करता है। हाँ जी। जब वो एजुकेशन में। यस। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी जाऊंगा यहाँ पे, सच्ची बताऊँ आपको। तो आपने मौका दिया और अच्छा लगा मिलकर आपसे। तो गाइस देखिए जैसे कि इसमें एमआरपी लिखी है 3 रूपीज, मैं फोकस कर रहा हूँ।
तो 3 रुपीज का पड़ने वाला है आपको, मतलब एमआरपी जो आप दोगे आगे 40 पैसे का पड़ने वाला है, तो आपको टोटल 3 रुपए एक तरीके से आप कमा रहे हो उसमें, 2 रुपए 60 पैसे आप इजिली इसमें कमा रहे हो बेच के, है ना सर जी। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रॉफिट है इसमें आपको, इंडियन में सारे मिल जाएंगे, इसमें पॉलिटिकल मैप भी आते हैं मेरे ख्याल से, ये आता है, ये बड़ा साइज आता है। ओके सर, ये देखिए ये 60 रुपीज का विद जीएसटी है। ओके ओके, तो गाइस विद जीएसटी बता रहे हैं ये, तो 60 पैसे का एक पीस पड़ गया, 5 रुपए इसकी एमआरपी रहने वाली है। जी, जी, जी। तो ऐसे इस तरीके से आप दोस्तों मैप ले सकते हो। तो गाइस मैप का बिजनेस बड़ा अच्छा है, आपको हर तरह की एटलस मिल जाएगी, एटलस भी बनाते हैं। ओके सर, ये देखिए गाइस ये स्कूल के एटलस, स्मार्ट बच्चों के लिए छोटे जूनियर, ओके ये मिडिल क्लास के लिए है। ओके सर, और ये हमारी यूनिक एटलस है जो अभी तक किसी ने नहीं बनाई। ओके, इसमें एटलस में के साथ साथ मैप और प्लस उसके नोट्स दिए हुए हैं, सर नोट्स भी दिए हुए ताकि बच्चों को असुविधा ना हो पढ़ने में। ओके सर, जैसे ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु में क्या होता है क्या नहीं होता सब इसकी जानकारी दी। जैसे कि तमिलनाडु हो गई, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर, मतलब मेरे मतलब की बुक है कहाँ पे क्या चीज बनती है। हाँ जी, तो वहाँ की नोटिस दोस्तों सारी मिल जाएगी आपको, इस तरीके से सोर्स नहीं मिल लेना पड़ेगा। ओके सर, बहुत बढ़िया। तो गाइस ये इनकी मेहनत है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत मेहनत लगती है एक बुक बनाने में। तो दोस्तों देख सकते हो इसमें आपको हर तरह के मैप मिल जाएंगे, जैसे कि देखोगे ये अपना केरला लक्षद्वीप हो गया, एशिया का पूरा बिगेस्ट मैप हो गया, इसमें सारी जानकारी लिखी पड़ी है, एशिया कंट्रीज के नाम है, कंट्रीज के नाम भी है, देखिए उनकी कैपिटल और पोर्ट्स कौन कौन से हैं। ये बहुत नॉलेजेबल चीजें होती हैं जो आपको एक बुक के अंदर मिलने वाली है। तो इसमें अगर मैं थोड़ा दिखाऊं आपको, जैसे कि देखो गाइस इंडियन रेलवे के ऊपर ये होगा इस तरीके से, तो ये बड़ी काम की बुकें हैं, एग्रीकल्चर पॉलिटिकल हो गया, पॉपुलेशन कितनी पॉपुलेशन है, तो इस तरह की बुक इन्होंने बनाई है। बाकी सर जैसे कि आप बता रहे थे, आपने बताया कि मिडिल क्लास मतलब क्या, ये मतलब हिंदी वर्जन है। अच्छा, ये है मिडिल क्लास के लिए। अच्छा, ये 10+2 के मतलब की है। अच्छा, ये जूनियर है जो 5 क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, नवीन छोटा, जैसे हर बच्चे का अपना अपना माइंड एक्चुअल इंटेलेक्चुअल होता है, लेवल होता है, तो उस हिसाब से इन्होंने दोस्तों बुक बना रखी है छोटे बच्चों के लिए, इस तरीके से हो गई। और बाकी बड़े थोड़े मतलब जो मिडिल क्लास के जैसे होते हैं, जैसे 6th 7th 8th के बच्चे, तो वो इस बुक से पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम में भी रहे, इसमें इंग्लिश मीडियम भी है। ओके, तो गाइस एटलस में भी आपको सारी मिल जाएगी, और मैप भी हर तरह के मिलने वाले, जैसे कि इनके पास है ना, इंडिया के मिलेंगे, इंडिया वर्ल्ड और प्लस जितने भी स्टेट मैप है। ओके, बहुत बढ़िया रहेगा सर। और बाकी मैं बता रहा हूँ, आपने भी कभी ना कभी यूज किए होंगे मैप यहीं के। और सर अपना ऑल ओवर इंडिया जाता है, ये छोटे कन्ना पेज दिखा दो जरा सर, अपना जो प्रोडक्ट रहता है ऑल ओवर इंडिया जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया। ओके सर, बहुत बढ़िया। इसमें हमने जो चार्ट बनाए हैं इसका सब्स्टिट्यूट भी बनाया है, सब्स्टिट्यूट ये देखिए, इसमें बच्चे जैसे है फैंसी है, इसमें कुछ पिक्चर ज्यादा होते हैं, स्टेट वाइज सिक्किम के ऊपर है। ओके, जैसे डांसेस ऑफ इंडिया है, यस सर, और फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया है। ओके सर, इसमें लगभग 100 किस्म का वैरायटी की मिल जाती है। ओके सर, बहुत बढ़िया जी, देखो कितना बढ़िया रहने वाला जी। पंजाब के ऊपर है, यस सर, तेलंगाना के ऊपर है, इंडिया प्लेयर्स के ऊपर है। ओके, कंप्यूटर पे है, करेंसी के ऊपर है, करेंसी भी इसमें दिखाना, करेंसी करेंसी है, जैसे ये फॉरेन करेंसी है, ये इंडियन इंडियन करेंसी है, और इसके बाद ये फॉरेन करेंसी है, येन है, जापान हो गया, ये है मलेशिया। ओके सर, ये है पाकिस्तान। ओके सर, और ये है आपका नेपाल। ऐसे बच्चों की जानकारी बहुत मजा आता है देखने में, जैसे मुझे बड़ा शौक है मतलब बाहर के बारे में मिलता है ना, यस सर, तो फिर प्रॉब्लम होती है, कैनेडियन डॉलर हो गया दोस्तों, देखिए ये ब्रिटिश पाउंड हो गया, जैसे ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, और तो इस तरीके की आइटम है, ये 8 पेज की किताब है। अच्छा, हमने धर्म ब्लैंक छोड़ा है। ओके, ताकि बच्चे काटे और चिपकाए, इनका पीछे मैटर हमने प्रिंट नहीं किया। अच्छा, प्रिंट नहीं, ताकि उनकी फैसिलिटी के लिए। और जैसे कि देखो दुबई जाओगे आप, तो दुबई में धर्म चलता है, देखो ऐसा नोट आता है पूरा, तो ऐसे आप ले सकते हो। तो इस तरीके अगर सऊदी अरेबिया का हो गया, रियाल हो गया, तो इस तरीके की आइटम आपको मिल जाएगी, देखो कितना बढ़िया, बहुत अच्छा सर, अच्छा लगा। बाकी और भी आइटम्स हैं इनके पास, वॉल मैप भी है हमारे पास। ओके सर, ये देखिए गाइस, वॉल मैप भी है, ये बिगेस्ट साइज है, हमारी खास ये है कि सिंगल पीस में है, सिंगल पीस में कोई भी नहीं है। ओके ओके सर, बाजार में जो मैक्सिम मिलते हैं, हाँ जी, ज्वाइंट वाले मिलते हैं। ओके सर जी, बाकी आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे फेस्टिवल्स हो गए ऑफ इंडिया, 100 किस्म की वरायटी है। ओके ओके, तो दोस्तों जो भी इस पर पीछे लिखा हुआ है, तो आप इसमें से आप ले सकते हो, इसमें आपको हैनेट उसमें देख सकते हो, कितनी सारी चीजें रहने वाली हैं, स्टोरीज भी होती हैं, तो एक बहुत अच्छा आप इनसे ले जाके बिजनेस भी कर सकते हो, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया का इस बच्चे पढ़ते हैं और बच्चों को डिमांड रहती है। और दोस्तों मैप तो हर स्कूल की जरूरत है, हर स्कूल में यूज होते हैं, तो आप ले सकते हो। बाकी थोड़ा मैं आपको उनका पैकेजिंग वगैरह दिखाता हूँ कैसे यहाँ पर होती है, आइए। तो गाइस देखिए यहाँ पर इनकी जैसे पैकेजिंग चलती है, देखो इस तरीके से पूरा दोस्तों गड्डी की गड्डी बनाते हैं, देखिए जैसे कि इस तरीके से देखो पैक हो रहे, पार्सल पैक होते हैं इस तरीके से, देखिए अच्छा से देखिए मशीन लगा रखी इन्होंने पैक। ओके, और जैसे ये ऋषिकेश माल जा रहा है, दिखाइए जैसे इस देखिए ऋषिकेश लिखा हुआ है, ऋषिकेश हो गया, जा रहे कश्मीर हो गया, ये गोरखपुर जा रहा है, दिखाइए
गोरखपुर जा रहा है, देखो गाइस इस तरीके से, तो ऑल ओवर इंडिया से गाइस इनके पास डिमांड आती है, देखिए और कितना दोस्तों माल जाता है, तो आप इनसे बिजनेस कर सकते हो। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ इनको, इनको मतलब सब लोग मोस्टली जानते हैं, आप कहीं पे भी जाओगे आपको इंडियन बुक डिपो के नाम से जो मैप होंगे हमेशा मिलेंगे, क्योंकि मैंने भी पहचान लिया, मैंने भी यूज करे, मैं बहुत मोर इंटरेस्ट था। तो गाइस देखो सारे यहाँ पे सैंपल्स लगे पड़े हैं इस तरीके से, गाइस देखो पूरा मतलब होलसेल में होता है यहाँ पर, सिंगल पीस बिल्कुल नहीं मिलता, आप सिंगल पीस के लिए प्लीज फोन ना करें, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो यही आपके लिए बेस्ट रहने वाले। जैसे कि अगर आपको मैं दिखाऊं, देखो इस तरीके से दिखाना, ये देखो ऐसे अल्फाबेट्स हो जाएंगे छोटे बच्चों को सिखाने के लिए, प्ले स्कूल्स में आपने देखा होगा। और ये देखिए ट्रीज के ऊपर हो गया, देखो स्टिकर्स चार्ट भी होते हैं, तो स्टिकर्स में भी इन्होंने अवेलेबल करा रखा है, तो ये भी आप ले सकते हो। और हर तरह की दोस्तों देखो आर्टिकल्स रहने वाले हैं, देखिए इस तरीके से कितना बढ़िया बढ़िया रहने वाला है, इसमें दोस्तों सबके नाम लिखा हुआ है, इंडियन का हिंदी में हिंदी वर्जन है, इंग्लिश वर्जन भी मिलेगा आपको, मल्टीप्लिकेशन चार्ट भी होते हैं, मतलब हर तरह के आइटम है। देखिए ये एटलस हमारे को अभी मिली है, ओके सर 1954 की बनी हुई है ये, ओके ओके ओके, ये इसकी आज हमने स्कैनिंग करा के, अच्छा आपने प्रिंट करवा दिया इसको, आपने रिकॉर्ड के लिए, अच्छा मैंने रिकॉर्ड के लिए, तो बस देखो जैसे आप ऐसी जगह पे आओगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इतने पुराने हैं ये, इतने 1954 के, ये आप पे खुद का मतलब प्रिंट हुआ होगा पहले, हाँ जी हाँ जी, अच्छा ये हमारी प्रेस थी अजीजगंज बहादुर रोड पे, एक मिनट, अच्छा सर यहीं पे प्रेस थी, देखिए हाँ जी, तो बस हम आउटसोर्सिंग कराते हैं, ओके सर, जैसे कि सर इसको दिखाने वाली खोल के दिखाओ सर, ये देखो ये देखिए, तो उस टाइम पे ऐसे प्रिंट होता था, नहीं प्रिंट हमने को किया ना, स्कैनिंग की है, अगर स्कैनिंग करी है, देखो ये उस टाइम है यार, ये देखिए गाइस जैसे कि जैसे तो कितना मतलब उस टाइम की आपको देखने को मिल रहा होगा, उस टाइम ऐसे होते थे बुक्स, तो इस तरीके की भी नॉलेज मिल गई यहाँ पर आकर, तो बहुत अच्छा लगा सर मिलकर आपसे। हमारे डिजाइनिंग इन हाउस होती है, ओके सर, दिल्ली जी पिछले 20 साल से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, ओके सर, तो पूरे डिजाइन बना रहे हैं, अच्छा, तो ऐसे वो सर डिजाइनिंग कर रहे हैं इस तरीके से जी, तो यहीं पे दोस्तों डिजाइनिंग भी होती है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब कुछ यहीं पर है जी सर, तो आप आराम से देख सकते हो कितना बढ़िया इन्होंने बना रखा है ऑफिस जी। एन एडल बॉय, अच्छा एन एडल बॉय वर्ल्ड वाइड फेमस है, ओके सर, और काफी इवन अमेरिका या लंदन में भी लोगों ने काफी प्रेस किया है, ये सारा डिजाइन हाथ का बना हुआ है, ओके सर, कोई क्लिप आर्ट इस्तेमाल नहीं किए, जहाँ हाथ से बने हुए, ओके सर, तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। पर जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई आपसे अगर बिजनेस करना चाहे जी, तो बिजनेस कैसे कर सकते हैं आपसे? नहीं अगर हमें अपने कैटलॉग मांगेंगे, कैटलॉग बाइक को भेजेंगे, अच्छा, या पीडीएफ फाइल भेजेंगे उनके व्हाट्सएप पे, यस सर, वो अपना मीन्स पूरा एस्टीमेट देंगे, ओके, हम प्रोफॉर्मा दे देंगे, ओके, बैंक अकाउंट दे देंगे, हाँ जी, बैंक में ट्रांसफर करेंगे, हम माल डिस्पैच कर देंगे, ओके सर। और क्या जैसे कि मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आप किसी से भी बिजनेस कर रहे हो, अगर आप जैसे कि आप वीडियो के थ्रू इनसे जान रहे हो, तो फर्स्ट टाइम आके मिलो जरूर एक बारी, आप इनसे मिलने या वेबसाइट भी कर लें, ओके, वेबसाइट भी सर अपनी, वेबसाइट भी, तो वेबसाइट भी है इंडियन बुक डिपो के नाम से है, हाँ जी हाँ जी, तो गाइस आप सर्च करोगे इनके बारे में सब कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी। और बाकी सर जैसे कि अपना टाइमिंग क्या रहती है? 10 to 6:30, 10 to 6, मैं सुबह 10 से लेकर शाम को 6:30 तक, संडे ऑफ रहता है, मेन फेस्टिवल ऑफ, ओके ओके, फेस्टिवल होली हो गई तब ऑफ था हमारा, ओके सर, तो वो सर बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे सीरियसली, तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें मौका दिया वीडियो बनाने का, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।